एकरा एकदम वायरल करे। राशन निकाल दो, राशन ले हाथ में पॉलिथिन लेना। क्या सब है इसमें? चूड़ा, गुड़, बिस्कुट, मोमबत्ती, सलाद। पंचों पंचायत का महत्वपूर्ण गाँव जहाँ सारे लोग छत पर हैं। परिवार के ना नहीं आ रही कार से हम आ गए अहाँ सब तो वही बंद हो गल भाव त वही है वहां से पैसा मिल जातो अरे की कर लौरे बाहर कर का दो दो फेर के ढेर दो फेर जा टका जाता है गिर जाती कहीं नहीं नहीं फट जाएगा ले जाओ हां ठीक है एक ही ठीक से घर घुमा आखिरी दोन देता हूँ भागल जाए ना रुक जा चार भी याद है वाली और कैसे आठ गो है आ बिरजू के दूटा लाओ दूटा बिरजू के आ मरनी के एगो ए एक ही मरनी के दे दिया है उमर राजेशो के पे दे दिए राजेश साहब के क्या गक्का घर सिवनी तीन चार आदमी चार भेजू ना ककरो ना अब पासवान खै ना पासवान के थे पासवान ई रामातार के घर के काटा रे ए रामातार के क्या होते चार गो चाट दियाल है हैं मुखिया जी से सुन लिया एगो नाव है गांव में जाके साल दिन चले ओइ नाव के लिए जे हमरा सब जरूरत होय त बहुत गाली उली उ सब दे दे ओ नाव हमर नाव होय ओकरा बना का हम अथी करै छी उ बना देना उ बना देना रुक जो ई लाल बना देलखिन हन कहियो पैसा उसा धक पंचो पंचायत का महसपट्टी गांव है। यहां प्रशासन को हमने 15 तारीख को ही कहा था, 14 के रात में ही इस रोड पर पानी क्रॉस कर गया था और ABP न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18, ईटीवी भारत, विभिन्न प्रिंट मीडिया में भी अखबार में ये इस रोड का बात छपा जो हरचंदा से काली रोड महसपट्टी में पानी पूरा 2 फीट से ज़्यादा हो गया है। समय रहते अगर प्रशासन नाव का और विस्थापितों के रहने का व्यवस्था नहीं करेगा तो यहाँ जान माल खतरा में पड़ जाएगा। लेकिन प्रशासन सुध नहीं लिया, आज के तारीख तक एक नाव भी नहीं दिया, ना कहीं किसी को रहने के लिए प्लास्टिक सीट का इंतजाम कराया। तब बाध्य होके आज 6 तारीख है, यहाँ हमने किचन भी चालू करवाया लेकिन वो किचन भी बाढ़ की पानी इतना बढ़ गया तो 25 तारीख से यहाँ सामुदायिक किचन भी बंद करना पड़ा। यहाँ लोग सारे गांव के लोग अपने अपने छत पर हैं और कई दिनों से यहाँ बच्चे जो चावल फुला फुला के खा रहे हैं, कहाँ पर भंसा करेंगे? सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं है। जितना बंद पड़ता है अपने निजी कोष से, कोई सरकारी कोष नहीं, अपना निजी कोष से जितना बंद पड़ता है करते हैं। लेकिन कोई आदमी कितना क्या कर सकता है? जब समय ही विपरीत है, प्रकृति ही विपरीत है, तो मनुष्य क्या कर सकता है। और प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ चकाचौंध करके दिखला दिया जाता है, जो बाढ़ पीड़ितों को बढ़िया से सेवा हो रहा है। लेकिन आप लोग कोई देखने आया है? कोई नहीं देखने आया है। फिट से जाए और लोग यहाँ जान माल के लिए जूझ रहे हैं। कुछ प्लास्टिक सीट उपलब्ध हुआ जो दिए, लेकिन हजारों में 10, 20, 25, 50 का क्या महत्व है। यही हालत है। अगर अभी भी प्रशासन सुध नहीं लेगा, एक भी मेरे पंचायत के किसी को जान माल की खतरा हुआ तो हम तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा चलवाएंगे। नहीं तो अभी भी प्रशासन आके तुरंत सबका सुध ले और सबको जान माल की रक्षा का इंतजाम करे। चलिए।